पता नहीं कैसे कैसे नेगेटिव कमेंट दे दे देते हैं, लाइक यू नो कुछ नहीं लगा यूट्यूब में, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले भाई, एंड भाई एसएससी हमारे लिए छोड़ दो, आप मॉडलिंग कर लो, आप क्यों आ गया भाई तू एसएससी में, ये तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है, अय्याशी कर तू और ये कर वो कर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। ओह मैन अच्छा लग रहा है वैसे मास्क। एनीवेज हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप सोच रहे हो कि मैंने घर पे क्यों मास्क पहना हुआ है, एक्चुअली आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे इवनिंग, पता नहीं मैं वीडियो कब अपलोड करने वाला हूँ। खैर एनीवेज, आज मैं गया हुआ था आज बजरंग बली से मिलने, काफी दिनों के बाद, मंदिर ऑफ कोर्स मंदिर। उसका भी एक रीजन है क्योंकि नो लास्ट वन वीक इस चैनल पे मेरे लिए थोड़ा सा अजीब रहा है, लाइक आई नो पॉजिटिव रिव्यूज बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली नेगेटिव से, बट यू नो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं। मैंने वो पोस्ट भी डाला था कुछ दिनों पहले लाइक स्टोरी में, पर स्टिल मैंने सोचा कि थोड़ी बजरंग बली का आशीर्वाद ले लिया जाए। तो एनीवेज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससीजीएल, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, सो बेसिकली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टीयर टू राइट नाउ। तो एनीवेज, तो वीडियो किस बारे में होने वाली है, वीडियो का आपने टाइटल तो पढ़ा ही होगा, लाइक जो एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे बेस्ट फीलिंग होती है एक्सेप्ट फॉर द यू नो रिलेशनशिप फैक्टर्स, वो होती है अपने जो भी उसका जो डेली के टारगेट्स होते हैं शेड्यूल्स होते हैं उनको कंप्लीट करना, अकम्पलिश करना, एंड फॉर्चुनेटली वो मैं कर पाता हूँ। लाइक मैं अपने टारगेट्स एक रात पहले ऐसे सेट करता हूँ लाइक जो कि यू नो अचीवेबल हो, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, लाइक पीपल भी लाइक कि हम इतना ज़्यादा रात को लिख देते हैं एक दिन पहले या उसी दिन उठ के ये मैं कर लूँगा। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे क्या टास्क हैं, कैसे मैं उनको क्या क्या करके अचीव कर रहा हूँ, कैसे मैं अपनी यू नो सारी चीज़ें मैनेज कर पाता हूँ। लाइक मोर पीपल भी लाइक यू नो इन कमेंट्स कि भाई पढ़ ले, यूट्यूब में कुछ नहीं रखा, और पता नहीं कैसे कैसे नेगेटिव कमेंट दे देते हैं, लाइक यू नो कुछ नहीं रखा यूट्यूब में, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे ले भाई, एंड ब्ला 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 शिट एंड ऑल दैट। एनीवेज, तो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक मेरा दिन शुरू होता है ज्योमेट्री जो मैंने आज कंप्लीट किया है, ऑल ओवर मेरा 8 आवर्स का होता है, 8 आवर्स टू 9 आवर्स के इन बिटवीन मेरा डेली के शेड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट शेड्यूल था मेरा ज्योमेट्री ऑफ कोर्स, उसमें से मैंने बुकलेट से 100 क्वेश्चंस किए, लाइक वो भी प्रीवियस ईयर ही थे, लाइक 2018 टू 20 लाइक 2019 तक जो भी हुए वो मैं कर रहा था ज्योमेट्री, क्योंकि मेरे जो हिट चैप्टर्स आपको दिख रहा होगा हिट चैप्टर ज्योमेट्री प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ये नहीं है कॉन्सेप्ट क्लिकिंग कर रहे, इतना हो रहा है कि यू नो टाइम टेकिंग हो रहा है, इस वजह से मैंने दिया, क्योंकि मैंने 2-3 मॉक दिए थे अभी मेंस के, उसके अकॉर्डिंगली मैंने जज किया कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने 5 या 6 चैप्टर जो मेरे हिट लिस्ट में मैंने लिखा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हिट लिस्ट लिखा हुआ, तो वो मैंने निकाल लिया। एलजेब्रा नंबर सिस्टम, एलजेब्रा में मुझे वैल्यू पुट का मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ लाइक क्वेश्चन करते टाइम, एंड हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ कोर्स इसमें भी मैंने बहुत टाइम हो गया था रिवाइज नहीं किया था, बट अभी ओके है। एंड मेंसुरेशन के बारे में भी हिस्ट्री है मेरी, एक्चुअली आपको बताऊं तो मैंने प्री के टाइम पे मेंसुरेशन एंड नंबर सिस्टम ये 2 चैप्टर्स हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं थे, इग्नोर किए थे, एज इन यू नो टीयर 1 में इनकी जो वेटेज है वो बहुत कम, एकदम नल ही है, लाइक आ गया तो एक क्वेश्चन आ गया, मैक्स टू मैक्स बना नहीं, तो ये चीज मैंने इग्नोर की थी क्योंकि टीयर 1 के टाइम पे मेरे पास टाइम भी नहीं था, एंड आई वाज लाइक कि जो मैंने चैप्टर्स किए हैं उनको कंप्लीट कर लेता हूँ रेदर देन फोकसिंग ऑन द यू नो न्यू चैप्टर्स लाइक मेंसुरेशन एंड नंबर सिस्टम एंड ऑल दैट। तो मेरा फर्स्ट शेड्यूल ये होता है, मॉर्निंग में उठते ही 9 बजे से लेके 12 बजे तक का फिक्स होता है मेरा डेली है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन वो भी मैं एक रात पहले डिसाइड करता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो आज मैंने किया ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन ऑफ कोर्स 12 बजे तक, देन मैंने उसके बाद 2 घंटे का गैप लिया, एक्चुअली 2 घंटे नहीं है ये थोड़ा 1.5 घंटे का था, आधा घंटा मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया कि मतलब यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सेलेक्ट करने में लगा हुआ था, बट वो मैंने काउंट नहीं किया, मैं काउंट करता हूँ जो मेरा प्रोडक्टिवली अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। देन मैंने 2 बजे से स्टार्ट किया परसेंटेज का रिवीजन ऑफ कोर्स, जो मेरे नोट्स थे एंड आर के नोट्स मतलब राकेश यादव सर की जो नोट्स हैं वो मैंने 2 घंटे ये इसमें मेरा टाइम गया, एंड ऑफ कोर्स मैंने इसमें क्वेश्चन वाइज भी सॉल्व किए, लाइक 1 घंटा के करीब मुझे सारा रिवीजन करने में लगा मेरे नोट्स एंड ऑल दैट। देन उसके 1 घंटे के लिए फिर मैंने अपने क्वेश्चंस किए, काउंट तो नहीं किए बट ये जो एक्स्ट्रा 1 घंटा 10 मिनट है लास्ट का वो मैंने वही किया था। देन उसके बाद मैंने लंच नहीं किया था मैंने यहाँ पे, बस 10 मिनट का गैप लिया था, 10 मिनट का गैप ऐसे थोड़ी वॉकिंग एंड ऑल दैट, ज्यादा टाइम बैठ भी नहीं पाता हूँ मैं, सुबह को 3 घंटे रेगुलर बैठता हूँ, देन उसके बाद मैं कंटिन्यूसली 2-2.5 घंटे ज्यादा नहीं बैठ पाता हूँ,
जैसे थोड़ा 10 मिनट की वॉकिंग ली था, थोड़ी बॉडी एक्टिव हो जाए। देन उसके बाद मैंने ग्रामर पोर्शन सॉल्व किया, क्योंकि ग्रामर में थोड़ा पढ़ने लग गया, पहले पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी टीयर वन के टाइम पे। तो देन ग्रामर सॉल्व किया मैंने, ये अप्रॉक्स 40 मिनट्स, लाइक 4:30 से लेके 5 o'clock तक, मतलब अप्रॉक्स 40 मिनट्स ये सॉल्व करने के बाद फिर मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था लंच का। 5 से 6 बजे मैंने लंच किया, मतलब ऑफकोर्स थोड़ा सा इधर उधर टाइम वेस्ट, मतलब लंच करने के बाद थोड़ा इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ी है, न्यूज़पेपर अप्रॉक्स अगर एक्यूरेट बताऊं तो 6:40 तक मैंने पढ़ा था, शायद आज 6 बजे से 6:40 तक मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की, ऑफकोर्स द हिंदू। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि भाई द हिंदू पढ़ना जरूरी है, आप क्यों पढ़ते हो एंड ऑल दैट, तो उसका मैं अभी पे ही मतलब रिप्लाई दे देता हूँ। मैं हिंदू पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मेरे उसके लिए अपने रीजंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पॉर्टेंट है एंड ऑल दैट, दिस इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, मतलब बहुत सारे बच्चे अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए भी पढ़ते हैं, बट मेरा कुछ और पर्पस है, वो मैं बाद में कभी बता दूंगा आपको। योगा न्यूज़पेपर, देन उसके बाद आता है वोकैब। मैंने इसके तुरंत बाद ही वोकैब पे शिफ्ट कर लिया था। ऑफकोर्स वोकैब में मैंने प्रीवियस ईयर वोकैब किए हैं, लाइक अराउंड 300 वर्ड्स तो मैंने रिवाइज किए हैं, लाइक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड सिनोनिम एंटोनिम्स किए थे 100 वर्ड्स के करीब, वो भी रिवाइज किया, न्यू कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। ये मेरा हुआ 7:30 बजे तक। उसके बाद मैंने शावर लिया, शावर लेने के बाद तुरंत बाहर चला गया था, बाहर एज ए नीनो बजरंगबली से दर्शन करने के लिए, सॉरी। फिर उसके बाद मैं अभी अभी आया हूं, अब मैं थोड़ा डिनर करूंगा, डिनर के बाद मैं अप्रोक्स 10 या 10:30 बजे के करीब एक और सेशन लूंगा, उसमें मैं ऑफकोर्स ग्रामर करने वाला हूँ। ग्रामर में मैंने आज नाउन सॉल्व किए थे, पढ़ा हुआ था, नाउन सॉल्व किए मैंने 2 जगह से, मतलब 2 एक्सरसाइज किए हैं, 50-50 क्वेश्चन, एक तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है एंड एक हमारा प्लेन टू पैरामाउंट की जो एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज की मैंने। एंड मुझे एक और करना है, वो मेरा सेशन होने वाला है प्रोनाउन का, वो भी मैं सेम चीज करने वाला हूँ, लाइक अप्रॉक्स 50-50 क्वेश्चन है, वो दोनों सॉल्व करूंगा रात को, लाइक 10 से 11 बजे के बीच में ये सब हो जाएगा, आई नो दैट। देन ये है मेरा आज का प्रोडक्टिव रूटीन, लाइक मतलब मैं तो बहुत वो होता हूँ, जब अपना टारगेट अचीव करने का टिक लगाता हूँ ना, लाइक अचीव, तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, इससे अच्छी फील मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो बस इसी पे फोकस करता हूँ। एंड मोर पीपल बी लाइक यू नो कि भाई आप कैसे पढ़ रहे हो, आज तो कमेंट भी देगा मैंने कि मतलब 8 घंटे पढ़ाई या फिर जितना भी, गर्लफ्रेंड नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। एंड आपको मैं कुछ बताऊं तो मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई नहीं कर पाता हूं ऑफकोर्स, क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास, कभी कभी कुछ कुछ जो मुझे लगते हैं कि ठीक है, कुछ जेन्युइन क्वेरीज है तो मैं कर देता हूं रिप्लाई। लाइक अगर मैं आपको अपना शेड्यूल बताऊं तो अभी रात के 11 बजे जो मैंने बताया अभी आपको ग्रामर करने के बाद, 11 से लेके 12:30 बजे तक मेरे पास जो मर्जी करने का टाइम होता है, लाइक मोर पीपल भी लाइक जो दिन में टाइम वेस्ट करते हैं, वो मैं रात को सोने से पहले टाइम वेस्ट करता हूँ, रात को सेशन के बाद और सोने से पहले जो मेरे पास 1 या 1.5 घंटे का टाइम होता है, यूजुअली 12:30 बजे मैं सो जाता हूँ, फोन रख देता हूँ, उस बीच में मैं अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड जो कमेंट्स वगैरह आपके आए होते हैं, हेट कमेंट जो कि आजकल आने लग गए हैं, पता नहीं क्यों, पहले नहीं आते थे बट ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, वो भी हैं तो मैं उनको भी रीड करता रहता हूँ, मतलब तो यही होता है मेरा दिन का रूटीन। तो खैर एनीवेज, इस वीडियो में यही बात करने के लिए आया था, जो बेस्ट फीलिंग होती है वो है कि एस्पिरेंट की लाइफ में ये होती है, मेरी लाइफ में तो ये है, मुझे नहीं मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होती लाइक की रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड एंड ऑल दैट, होगा आप लोगों की लाइफ में अपने, मतलब डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, बट ठीक है। तो फिर खैर एनीवेज, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं भी जाता हूँ चेंज वेंज करके डिनर करता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, नहीं लगी है तो डिसलाइक कर देना, मुझे आजकल बहुत मिल रहे हैं बट उसका कोई रीजन नहीं दे पाता, वो थोड़ा बुरा लगता है मुझे, मतलब मोर पीपल बी लाइक कि मतलब यू नो आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ वो होते हैं उनके कमेंट, कि एक तो मैंने कल ही पढ़ा था मैंने कि भाई SSC हमारे लिए छोड़ दो, आप मॉडलिंग कर लो आप, मतलब और कुछ कुछ तो अजीब अजीब कमेंट करते हैं कि मतलब यू नो SSC क्यों आ गया भाई, तो SSC में ये तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है, मतलब ये हम जैसे गरीब बच्चों के लिए, मतलब व्हाट कि भाई अय्याशी कर तू और ये कर वो कर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। एंड आई वाज लाइक कि छोड़ो यार, डिलीट करो ऐसे लोगों को, बस ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहो। खैर एनीवेज, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, मुझे नहीं पता कब बनाने वाला हूँ, अप्रॉक्स 2nd of August जन्मदिन है हमारा आपके दोस्त फ्रेंड का, तो तब शायद मैं आ जाऊं, मतलब एक दिन पहले ईद है, नेक्स्ट डे राखी भी है,
सो लेट्स सी क्या होने वाला। अगर फ्री रहा तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो बना दूंगा विश करने के लिए ऑफकोर्स। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।